बहुत शानदार, ऐसा शानदार मकान है जनाब कि बिजली पानी और किचन के अलावा हर सहूलत वहाँ मौजूद है। जी 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 हाँ। अब आप लोग बैठे क्यों हैं? अरे जल्दी कीजिए, वहाँ किरायेदारों की लाइन लगी हुई है। जल्दी करें, जल्दी करें, चलो चलो भाई, किराए पे मंगा रहे भाई, चलो भाई। बाबा मेहरबानी, खुदा तुमको खुश रखेगा, खुदा हाफिज। 40 रुपए कौन देगा? 40 रुपए? बाबा मैं खुद भीख मांग कर खाता हूँ, तुमको वरी 40 रुपए किधर से दूँ? भाई किराए के पैसे कौन देगा? अल्लाह देगा, हक अल्लाह देगा बाबा। तुम जाकर अपना धंधा करो, मैं वरी बाग में जाकर भीख मांगता हूँ। हक झूले लाल। सुबह सुबह की बिस्मिल्लाह और आइए कहा लिया है वो कमरा का? कहाँ है? अरे यही तो है वो कमरा। क्या ये वो कमरा है? जी हाँ, ये 1000 रुपए माहवार और सिर्फ 6000 एडवांस पर ऐसा कमरा ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको। 1000 महवार? जी हाँ भाई, देखिए फर्निश्ड भी तो है ना। ये सामने बेड देखिए, कैसा उमदा बेड है आपके लिए जी। और जनाब ये 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 है सेंटर टेबल, और ये है कुर्सी, कभी चाय पीने का मूड हो तो कुर्सी पे बैठिए, चाय रखिए यहाँ सेंटर टेबल पर, आराम से चाय पीजिए। हाँ चले चाय मंगवा। चाय 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 अरे भाई आप जज्बात में क्यों हो गए यार? है मैंने कहा चाय तो आप कुर्सी पे ही बैठ गए। अरे चलो मैं यहाँ तो मेरा दम उठा जा रहा है, खिड़की तो खोलो। अरे ना खबरदार, खिड़की को हाथ ना लगाए, कोई गिर पड़ती है खिड़की। भाई यहाँ तो कोई पागल ही रह सकता? पागल? पागल कहकर आप मेरी तोहीन कर रहे हैं। क्या इससे पहले आप रह चुके हैं यहाँ? जी हाँ, मैं 3 महीने इस कमरे में और 4 महीने हॉस्पिटल में रह चुका हूँ। आप यहाँ कैसे रहे? ये बोसीदा कमरा, ये मकड़ियों के जाले और चटकी हुई दीवारें। क्या कह रहे हैं आप? मकड़ियों के जाले, चटकी हुई दीवारें? खबरदार खामोश, आप इस तारीखी मकाम की इंसल्ट कर रहे हैं। की तारीखी? जी हाँ, ये है वो तारीखी मकाम जिसे सिकंदर आजम ने अपने मकबरे के लिए पसंद किया था। जी हाँ, और यही वो जगह है जहाँ पानीपत की आखिरी लड़ाई हुई थी। पानीपत? अरे पानीपत की लड़ाई यहाँ कैसे हो सकती है? अरे पानीपत क्या चीज है, यहाँ सिर्फ पानी पर कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं गली में। जी हाँ, आप कह रहे हैं पानीपत, यहाँ नलके पे हो चुके हैं लोग लतपत। जी अच्छा। जी हाँ, ये 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 छत का हिस्सा क्यों टूटा हुआ है? ये छत का हिस्सा? जी हाँ, ये इमरजेंसी एग्जिट है जी। कभी अगर खुदा ना खास्ता ये वाला दरवाजा ना खुल सके तो छत के इस हिस्से से आप बाहर गली में कूद सकते हैं। जी हाँ, और वैसे एक और इजाफी जीना भी है, ये सीढ़ियाँ बाहर उतरती हैं, ये जीना है। जरा लकड़ियों को दीमक लगी हुई है, जरा खतरनाक है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छा तो दुल्हन खातू, मोहतरमा दुल्हन, आपसे गुजारिश करना थी। जी फरमाइए। कहना ये था कि चूंकि ये छत वाला कमरा है लिहाजा इस छत पर आप जरा आहिस्ता टहलिएगा। मैं जाता हूँ।
दुनिया सीढ़ियों से फ्लाई करके नीचे फर्श पर लैंड कर गए। सबक क्या कर रही हो? रूबी भैया आए टैक्सी में। टैक्सी में? हाँ। अय्याशी, और वो भी इन हालात में। हाय गर्ल्स, क्या कर रही थी? इंतजार आपका। आई भाईजान, बहुत इंतजार कराया आपने। कहाँ थे? और वो टैक्सी किसकी है? भैया टैक्सी पर आए तो जाहिर ही नहीं की होगी। कैसा अच्छा लगेगा कि एक अफसाना निगार टैक्सी चलाएगा। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल वो हुआ यूं कि मेरा एक दोस्त है ना, वो उसके वाले शक्कर में बीमार है, तो वो 2-3 महीने के लिए गया है, तो उसने कहा ये टैक्सी तुम रख लो। अरे ये तो बहुत अच्छा है। हम टैक्सी में सैर करेंगे मुफ्त में। हाँ जी, आप सैर करिएगा, ये तफरी करेंगे मालिक मकान के साथ। आया था क्या? हाँ जी आया था, और दोबारा आने का कह गया है। तो मुसीबत ये है कि जो भी इंसल्ट होती है मेहमान के सामने। देखो प्लीज, मैंने कितनी दफा कहा है कि ये मेहमान मेहमान मत कहो मुझे। मैं 1000 दफा कह चुकी हूँ कि मैं भी अब इस घर की एक फर्द हूँ, और हम सबको मिलजुल कर तमाम मुश्किलात का मुकाबला करना है। अब कोई तरकीब सोचो, फौरन कोई तरकीब सोचो मालिक मकान को वापस भिजाने की। सोच ली क्या? हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ए खुदा, आसमान पर काले काले गहरे बादल आए। आमीन। बादलों में बिजली चमके। आमीन। और जैसे ही मालिक मकान हमारे दरवाजे पर आए। आमीन। नहीं, यहाँ पे आमीन। अच्छा नहीं, नहीं, बिजली उस पर गिर पड़े। आप दोनों बहुत अकलमंद है ना, तो खुद सोचिए। मैं तो बस ये रियायती दुआ मांग सकती हूँ कि ए खुदा, आने वाला आने ना पाए, उसकी टांग टूट जाए। अरे कहाँ है प्रोप्राइटर साहब? अरे प्रोप्राइटर साहब कहाँ है प्रोप्राइटर? अल्लाह को ये मंजूर था, सब करे। अरे प्रॉपर्टी साहब, काले बादल भी नहीं आए अभी तक, और बिजली भी नहीं चमकी अभी तक। बिजली भी नहीं चमकी अभी तक। मैंने जितना सोचना था सोच लिया, अब दोनों सोचिए आप लोग। हाँ क्या? तरकीब भी आ गई। हाँ क्या? मैं तुम दोनों की आंटी। हाँ, नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, कट, कट, कट। ये सिर्फ ड्रामा है। तो फिर ठीक है। हाँ, हाँ। तो पा, मैं बहुत सख्त बीमार हूँ, ठीक है? और कोई भी सदमा मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह ना करे। ओह, वो सोहेल ड्रामा। अच्छा, ठीक, ठीक है। हाँ, ये समझ गए ना? हाँ, मैं समझ गया। रियाजुद्दीन अंकल आए हैं, हमारे मालिक मकान आए हैं। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको देखते हैं बस उन्हीं को देखते हैं। बस बस, मुझे ज्यादा खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सख्त गुस्से में हूँ। दिल तो चाहता है कि इस मकान को तहस नहस कर दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो बुलडोजर है जो इस मकान को तहस नहस कर भाग लो। क्यों, ये मुझसे पूछ रहे हो तुम? 4 महीने हो गए किराए का तकाजा करते हुए, है? कभी घर पे ताला, कभी कोई नया बहाना, और मुझे देखो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। जी हाँ, जी हाँ। हर बार मुतमईन होकर चला जाता हूँ यहाँ से। अब भी जाएंगे आप? यही तो आपकी खानदानी शराफत है रजू अंकल। बस बस, बहुत हो चुकी, अब मैं किसी धोखे में नहीं आऊंगा। गजब खुदा का, कहने को माली हालात ठीक नहीं है घर के, है? और घर में रखी भी है मुलाजमा। मुलाजमा? मुलाजमा, वो तो बेचारी आज रवाना हो गई 2 फाकों के बाद। फाकों के बाद? और ये जो बाहर टैक्सी खड़ी हुई है, क्या ये भी गुर्बत की निशानी है?
टैक्सी को कुछ मत कहिएगा रियाजी, उस भोली वाली और मासूम टैक्सी को कुछ मत कहिएगा। वो हमारी मरती हुई आंटी को हम तक लेकर आई। क्या आंटी? हाँ। तो घर में कोई आंटी भी है? बीमार है, सूख के कांटा होगी। जब से घर में आई है बिस्तर पे पड़ी हुई, हाय 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 कर रही। भी और टाइफाइड भी? जी। क्या तो इन भाई, ये तो